नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आई हूँ एक ब्लॉग लेके। तो सबसे पहले मैं यहाँ नहा धो के आई हूँ पूजा करने। देख सकते हैं मैंने कुछ फूल को तोड़ लिया है, पूजा करूँगी फूल से। और यहाँ पूजा के बर्तन मैंने धो के साफ़ कर लिया है। तो अभी हम पूजा घर को साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद दिया जलाएंगे। दिया जलाने का तो भगवान जी को नहलाएंगे, उसके बाद तुलसी मैया को नहलाएंगे। नहलाने के बाद फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत वीडियो को देख सको। तो देख सकते हैं यहाँ पूजा करेंगे हम। पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने। तो देखिए मैं अपने छत पे आई हूँ। यहाँ मैंने मटर के पौधे लगाए थे। तो देखिए यहाँ पे मटर के पौधे, बहुत सारा मटर हुआ है। और यहाँ देखिए मेथी, ये मेथी भी हमने लगाया है छत पे। ये देखिए मटर, देखिए इसमें बहुत अच्छे दाना भी आया है। और देखिए मैंने इतने सारे मटर तोड़ लिए हैं। और यहाँ देखिए फूल के पौधे, कितना अच्छा फूल खिला है। ये हमारे घर का है। तो मैंने जो मटर तोड़े थे उसको मैं देखिए यहाँ पे छील लिया है। अब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू मटर और गोभी की सब्ज़ी मछली के साथ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ काट के धो लिया है और मटर को भी छील लिया है। और देखिए मैंने यह मैंने कढ़ाई बिठा दिया है गैस पे। और मैं फिश को फ्राई करूँगी। तो यहाँ मैं फिश को फ्राई करके इस तरीके से सारे फिश को डाल दूँगी और इस तरीके से फ्राई करूँगी। देखिए फिश मेरी फ्राई हो गई है। और मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी फिश के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ आलू गोभी को डाल दिया है कढ़ाई पे, और हल्दी नमक भी डाल दूँगी। थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो देख सकते हैं मैंने इसमें पानी डाल दिया है और सब्ज़ी में बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है। अब सब्ज़ी को कम से कम 20 से 25 मिनट तक पकाना है फुल आँच में। सब्जी मेरी लगभग बन गई है। और यहाँ देखिए मैंने चावल चढ़ा दिया था, तो मेरी चावल भी रेडी है। और यहाँ देखिए सब्जी लगभग बन चुकी है। अब मैं इसमें धनिया पत्ता डाल के फिर गैस ऑफ कर दूँगी। तो धनिया पत्ता मैंने डाल दिया है, तो इसको मिलाना है अच्छे से। देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी मेरी बिल्कुल रेडी है। अब मैं गैस ऑफ कर दूँगी। तो यहाँ देखिए सब्जी को मैंने निकाल लिया है। और अभी मैं बनाऊंगी मेथी, मेथी साग को फ्राई करूंगी। तो देखिए मेथी साग को मैंने धोकर काट लिया है।
और यहाँ कुछ लहसुन लिए है और कुछ हरी मिर्च। इसी से मैं मेथी साग को फ्राई करूँगी। तो देखिए मैंने कढ़ाई बिठा दिया है गैस पे और थोड़ा सा तेल भी डाल दिया है। तेल डाल देते हैं और मैं लहसुन को कुछ देर तक भूनूंगी। लहसुन में जब कलर आ जाए तो मैं उसमें मिर्च डाल के मेथी को डाल दूँगी। इसमें डालना है थोड़ा सा हल्दी और नमक स्वाद अनुसार और फिर उसको 5 मिनट तक पकाऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ ढक दिया है मेथी को और ढकने के बाद देखिए यहाँ मेथी बिल्कुल गल गया है। अब कुछ देर इसको पकाना है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने मेथी साग को बनाया है लहसुन डाल के। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी होता है। तो देखिए मेरा मेथी साग बिल्कुल रेडी है। अभी मैं बनाऊँगी घी। तो देखिए मैंने मलाई को छान के उसमें से मक्खन निकाल लिया है और यहाँ देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है। अब मैं इसमें मक्खन डाल दूँगी और फिर इसको पकाऊँगी। तो देख सकते हैं कढ़ाई बहुत गर्म है और मैंने मक्खन भी डाल दिया है और यहाँ देखिए मक्खन पिघलना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ मक्खन को कढ़ाई में डालने के बाद धीरे धीरे कड़छी को चलाना है और घी को इस तरीके से पकाना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैं घी को किस तरीके से पका रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से घर में घी बनाएं, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये एकदम प्योर शुद्ध देसी घी है। आप इसका कलर देख के भी पता कर सकते हो ये कितना टेस्टी है। तो फ्रेंड एक बार ज़रूर ट्राई करना अपने घर में, आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही टेस्टी लगता है ये घी। तो देखिए मेरी घी लगभग तैयार है, इसमें से घी अलग होना स्टार्ट हो गया है। देखिए और कुछ देर पकाना है जब तक कि इसका बेस टेस्ट थोड़ा डार्क ना हो जाए, तब तक इसको पकाना है। तो यहाँ देखिए घी लगभग रेडी है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। तो देखिए गैस ऑफ कर दिया है मैंने, घी मेरी बिल्कुल रेडी है। और यहाँ देखिए हमारे घर का गार्डन। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आप अगर मेरे चैनल पर नया आया हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत वीडियो को देख सको।